हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रमिला रेसिपी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की पारंपरिक रेसिपी। इस रेसिपी का फ्रेंड्स नाम है हमारा स्वीट चीला रेसिपी। ये रेसिपी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, बच्चों का जब भी मन करे आप उनको टिफिन बॉक्स में फटाफट से बना के दे सकें। बच्चों को वैसे भी मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, या किसी भी टाइम बच्चों को भूख लग रही है तो आप उनको ये स्वीट चीले की जरूर बनाइए। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं हमारे पारंपरिक उत्तर प्रदेश के स्वीट चीले की रेसिपी। मीठा चीला बनाने के लिए हमने ले लिया एक कटोरी आटा, इसको हमने छान लिया है, और थोड़ा सा एक कटोरी से कम से हमने ले लिया है शक्कर, गुड़ वाली जो शक्कर होती है। आप इसकी जगह गुड़ भी ले सकते हैं और चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसका गुड़ शक्कर में आता है वो चीनी में नहीं आता है। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हमने ले लिया है सौंफ, थोड़ा सा हमने नारियल को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और ले लिया है ऑयल। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हैं। तो करते हैं आगे स्टार्ट। सबसे पहले हम शक्कर का घोल बनाएंगे। इसके लिए हम हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हाफ कप पानी ऐड करेंगे हम, और अच्छे से इसको मेल्ट कर लेते हैं। ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, इसको हम छान लेते हैं। हमने इसको छान लिया है, अब अपना चीले का घोल तैयार करते हैं। हम बोल में आटा ऐड कर लेते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम अपना ये शक्कर वाला घोल इसमें डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे इसको, जिसमें इसमें कोई भी गांठे ना रहे हमारे। देखिए अच्छे से हमने इसको घोल दिया, किसी भी तरह की कोई इसमें लंग्स नहीं है। ये देखिए, अब इसमें हम डाल देते हैं कोकोनट ग्रेट किया हुआ, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है। और डाल देते हैं हम इसमें सौंफ। आप सौंफ का पाउडर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसको क्रश करके डाल सकते हैं। अच्छे से मिला देते हैं सभी को। अच्छे से हमने सभी मिक्स कर दिए हैं। अब 10 मिनट्स के लिए इसको हम कवर करके रख देते हैं। 10 मिनट बाद हम अपना चीला बनाते हैं। 10 मिनट्स हो गए, चलिए चीले की तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने नॉन स्टिक पैन लिया है, इसमें डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून ऑयल, और इसको हम टिश्यू पेपर से इस तरह से साफ कर देते हैं। अब एक बार अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम फ्लेम पर रखेंगे अभी, और अपना बटर इसमें डालते हैं। इसको हम इस तरह से फैला देते हैं, इसके चारों तरफ थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। दूसरे साइड से हम चीले को पलट देते हैं। कलर चेंज हो चुका है हमारे चीले का, इस तरह से करेंगे। और इसको ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। हम अपना स्वीट चीला निकाल लेते हैं, और इस तरह से सभी चीले बनाते हैं इसमें। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सभी उत्तर प्रदेश के स्वीट्स चीले बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहे फ्रेंड्स इनको बच्चों के टिफिन में रखिए, उनके ब्रेकफास्ट में, या जब भी बच्चों को भूख लगे तो आप उनको ये मीठा सा नाश्ता बना के दीजिए। बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद करेंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको हमारे ये पारंपरिक उत्तर प्रदेश की स्वीट चीले की रेसिपी? तो फ्रेंड्स हमारी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को फ्रेंड्स कर दीजिए प्रेस। तो फिर से मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट रेसिपी, तब तक के लिए बाय बाय।